चीन की प्रेस मशीन है, ठीक है। अब आज हम करने वाले हैं स्टैंड अलोन डीएनएस सर्वर। देखो पहले क्या होता था, डीएनएस सर्वर जो होता था अलग बनाया जाता था, जी और जो एडी सर्वर था वो अलग बनाया जाता था, ठीक जी है। तो जो अलग बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट जो डीएनएस सर्वर है उसी को हम बोल रहे हैं स्टैंड अलोन डीएनएस स्टैंड सर्वर, अलोन जी ठीक है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि एडी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन सर्वर कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर्वर मैनेजर में आने जाना है आपको और डीएनएस रोल इंस्टॉल करना है। तो डीएनएस रोल इंस्टॉल करने के लिए आएंगे ऐड रोल्स एंड फीचर के अंदर, नेक्स्ट करेंगे रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे, सर्वर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखो डीएनएस सर्वर का ऑप्शन आएगा, टिक मार्क करेंगे इसे, ऐड फीचर, कंटिन्यू, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो अब ये क्या है, इंडिपेंडेंटली डीएनएस सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। जी आजकल क्या इसका यूज होता है सर, इंडिपेंडेंट डीएनएस का? क्योंकि देखो आजकल तो यूज, सारा एडी से हाँ पूरा रिलेटेड हो गया है। हाँ रिलेटेड तो हो गया है, लेकिन मैं आपको बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि भाई आप अगर बनाना चाहे तो अलग से भी बना सकते हैं, जी। ठीक है, जिससे क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कुल मिला के। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हालांकि ये कोर्स के अंदर नहीं है। जी अगर कोर्स की गाइडलाइन को देखो तो ये है ही नहीं कोर्स के अंदर। जी ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो बन जाए, नहीं समझ रहे जी 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 आपको इसका 1-2 मतलब ABCD क्लियर हो इसकी, जी ठीक है ना, सारी चीजें समझ में आए इसकी, क्योंकि इसी इसीलिए आगे तो ट्रबल शूटिंग भी करनी है आपको, बहुत सारी चीजें करनी है, वही तो सर, ठीक इसीलिए है। धीरज सर, धीरज सर के पास हम लोग इसलिए आए कि वो आउट ऑफ द सिलेबस जाके हमको पूरा समझाएंगे। हाँ जी नहीं तो हमारे में और बाकी में क्या फर्क रहेगा। जी वही तो सर, इसीलिए तो आउट ऑफ द सिलेबस जाके पूरा कॉन्सेप्ट पूरा पूरा फ्रॉम द स्क्रैच लेके आएंगे। इतना इंतजार तो तभी हो रहा है ना। देखो जी सर, इसीलिए तो भागने वाले तो भाग भाग जाएंगे देखो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, जी तुम्हें कॉन्सेप्ट पता ही है। देखो जी भागने वाले भाग जाएंगे, जिसको सीखना होगा सीख लेगा। अब जी देखो आज क्लास में 2 बंदे हैं, जी समझ जी रहे हो मेरे कॉन्सेप्ट, देखो कितना बढ़िया। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सीखने के लिए चीजों को, जी सर जी। ऐसे नहीं होता है। देखो हमने डीएनएस इंस्टॉल कर लिया, अब यहाँ पे देखो जो कंप्यूटर नेम आ रहा है ये वाला, देखो ये चेंज नहीं है, तो ये जो नेम है ये इरेलीवेंट है, ठीक है। तो हम इसका कोई ऐसा मीनिंगफुल नेम रखेंगे जिससे कि हमें पता लग जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि सर्वर डीएनएस सर्वर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम चेंज कर देते हैं इसका, इसका नाम रख देते हैं हमने सर्वर 200, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हो। वर्क ग्रुप में ही है देखो अभी ये, इसको आपको डोमेन में नहीं कनेक्ट करना, अभी वर्क ग्रुप में ही इसको रखना है क्योंकि ये स्टैंड अलोन है। और रिस्टार्ट कर दो इसे एक बार, सिस्टम एडमिन के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो यही है, सबसे ज़्यादा जो ट्रबल शूटिंग है वो इसी की है। डीएनएस
सारे इश्यू जो है इसी के थ्रू आते हैं, इसी से रिजॉल्व होंगे आधे इश्यू आपके। अगर ये सीख गए तो बाकी मतलब ये समझ लिया 90% मैदान आपने मार लिया है, अगर ये आपने सीख लिया तो। ठीक है ना, तो देखो सर्वर का नाम चेंज हो गया है यहाँ पे। ये देखो कंप्यूटर नेम आपका चेंज हो चुका है। देखो मोर बटन पे आते हैं तो देखो ये नाम नेटवाय सुनिवि मैंने आपको बताया था पहले, जी और देखो एफएलएल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी डीएनएस सफिक्स फॉर दिस कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि ये डोमेन को पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपके डोमेन नेम को पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमें देखो जब डीएनएस सर्वर हम बनाते हैं तो किसी ना किसी डोमेन को यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है ना, तो हम कोई भी डोमेन नेम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो दो तरह के जोन नजर आ रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप। ठीक है, फॉरवर्ड लुकअप जोन का क्या काम होता है कल बताया था मैंने आपको, जी, सर होस्ट नेम नेम टू नेम टू आईपी, आईपी, नेम टू आईपी रिजॉल्व करेगा सर। होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, और रिवर्स जी, लुकअप का आईपी आईपी टू टू नेम। होस्ट नेम। बिल्कुल, तो आप देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों के लिए अलग अलग डेटाबेस बनेगा यहाँ पे। तो देखो जब डीएनएस सर्वर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो हमें जाना पड़ेगा देखो सी के अंदर विंडोज सिस्टम 32, अरे सिस्टम 32। ठीक है, और यहाँ मिलेगा आपको डीएनएस डीएनएस। देखो जब डीएनएस इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो डेटाबेस नहीं है यहाँ पे, डीएनएस का कोई डेटाबेस बना नहीं है यहाँ पे। जब डीएनएस का डेटाबेस बनेगा तो यहाँ पे आपको उसकी फाइल नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देखो आपको मिल रहा है कैशे डॉट डीएनएस। ठीक है, ये डीएनएस की जो कैश फाइल होती है वो होती है ये। ठीक है, एक डीएनएस नाम से टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, एमटी है ये। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। ट्रस्ट टैंकर नाम से एक फाइल बनी है, इसका अभी कोई यूज नहीं है, बाद में बताऊंगा क्या यूज होगा इसका। बैकअप के लिए अभी कोई फाइल नहीं बनी है। ठीक है, सैंपल फाइल पड़ी है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे सैंपल फाइल पड़ी होती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अब देखो अब हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं जोन, तो सबसे पहले बनाएंगे न्यू जोन, और मैंने आपको बताया था तीन तरह के जोन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट करोगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन। तो प्राइमरी जोन जो है वो क्या होता है, प्राइमरी जोन जो होता है वो रीड राइट कॉपी या मास्टर कॉपी स्टोर करता है। ठीक है ना, और देखो यहाँ लिखा है क्रिएट ए कॉपी ऑफ द जोन दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर, यानी कि जो डायरेक्टली अपडेट हो रही है वो कैसी कॉपी है, रीड राइट कॉपी है। ठीक है, तो हमें चूज करना पड़ेगा प्राइमरी जोन, विदाउट प्राइमरी जोन ना तो हम सेकेंडरी बना सकते हैं ना ही स्टब जोन बना सकते हैं, क्योंकि इसी की एक कॉपी सेकेंडरी और स्टब में जाएगी। राइट, तो पहले बनेगा प्राइमरी, नेक्स्ट करेंगे। अब हमें जोन का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो जोन का नाम ऐसा होना चाहिए जो डॉटेड नेम में होना चाहिए, यानी कि वो डीएनएस नेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल न्यू जोन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ठीक है, यानी कि जो आपका जोन का नाम है वो डीएनएस नेम होना चाहिए, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, MSN.com, Yahoo.com, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताओ क्या नाम रखें, वो इंडिया डॉट कॉम दिल्ली डॉट कॉम रख देते हैं। सही है, छोटा सा नाम है, दिल्ली डॉट कॉम रख रहे हैं जोन का नाम। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो जो जोन का नाम होता है उसी नाम से डीएनएस की फाइल बनती है, तो यहाँ पे एक जोन फाइल बनेगी जिसका नाम है डीएनएस दिल्ली डॉट कॉम डॉट डीएनएस। ये जो जोन फाइल बनेगी ये किस में जाके स्टोर होगी, फॉरवर्ड लुकअप जोन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक इसका डेटाबेस क्रिएट हो गया, दिल्ली डॉट कॉम डॉट डीएनएस, इस नाम से डेटाबेस बन गया ये। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो लिखा आ रहा है डायनेमिक अपडेट। डायनेमिक अपडेट का मतलब है कि डीएनएस सर्वर किस तरीके से अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, पहला होता है सिक्योर, दूसरा होता है नॉन सिक्योर, और तीसरा होता है डू नॉट अपडेट, डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट। अब देखो जो पहला ऑप्शन होता है सिक्योर अपडेट का, वो एडी के लिए होता है। तो देखो यहाँ लिखा आ रहा है रिकमेंडेड फॉर एडी, और ये कह रहा है दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर द एडी इंटीग्रेटेड जोन। एडी इंटीग्रेटेड जोन में इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे स्टैंडर्ड लॉन है वहां पे इसको यूज ही नहीं कर सकते, राइट। तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे नॉन सिक्योर एंड सिक्योर अपडेट। इसमें दोनों तरह के अपडेट आ गए, लेकिन ये वेनरेबल हो सकता है, ये ऑप्शन वेनरेबल हो सकता है। क्यों हो सकता है वेनरेबल? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी क्लाइंट्स, ये किसी भी क्लाइंट के किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। देखो लिखा आ रहा है डायनेमिक अपडेट ऑफ द रिसोर्स रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट का जो रिकॉर्ड है उसको यह एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये वेनरेबल हो सकता है। देखो नीचे आ रहा है दिस ऑप्शन इज ए सिग्निफिकेंटली सिक्योरिटी वेनरेबिलिटी, यानी कि वेनरेबल हो सकता है, यानी कि कोई भी अटैक हो सकता है डीएनएस सर्वर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये वेनरेबल हो सकता है, क्योंकि कोई भी जो रिकॉर्ड आएगा वो अनट्रस्टेड सोर्स से भी आ सकता है। देखो अपडेट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेस, ठीक है, अननोन सोर्स से भी क्या है रिकॉर्ड एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एडी इंटीग्रेटेड हम ले नहीं सकते, और हम लेंगे यहाँ पे कौन सा नॉन सिक्योर, ठीक है। तो इसमें बहुत आ गए, नॉन सिक्योर सिक्योर दोनों आ गए इसके अंदर, और तीसरे में है कि डायनेमिक अपडेट से एक्सेप्ट ना करें रिकॉर्ड को। अगर हम इस ऑप्शन पे टिक करते हैं तो हमें जितने भी रिकॉर्ड डीएनएस के अंदर बनाने हैं वो सब मैनुअली बनाने पड़ेंगे, नहीं समझे? जी, मुश्किल तो हो जाएगा। मैनुअली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए डायनेमिक अपडेट जो है उसके थ्रू रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करना आसान होता है। तो हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब तो देखो आपका यहाँ पे डीएनएस, जोन का नाम आ गया, दिल्ली जोन हो गया, स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन बना है, फॉरवर्ड लुकअप जोन बना है, और जोन की फाइल का नाम है delhi.com.dns, ये डेटाबेस हो गया। पूछो क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछा था कि मतलब ये डीएनएस जो सर्वर बनेगा ये ऑप्शन के थ्रू, मतलब ये हैकर से कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सही, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जी देखो साफ लिखा हुआ है वेनरेबल हो सकता है, जी तो उसके लिए अलग ठीक से है। फायरवॉल वगैरह लगाने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि स्टैंड अलोन है ना, देखो ये पहले चलता था जिसमें, अब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली बन रहा है, ठीक है, फिनिश कर दिया हमने। तो देखो यहाँ पे आ गया delhi.com, और मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली एसओए रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे, स्टार्टअप तो होगा। जी एसओए और एनएस ये दोनों बाय डिफॉल्ट बनेंगे किसी भी जोन के अंदर, राइट। तो देखो एसओए होता है स्टार्टअप अथॉरिटी, इसके अंदर क्या होता है ओनर इन्फॉर्मेशन, और एनएस रिकॉर्ड नेम सर्वर या डीएनएस को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा जो सर्वर है वो डीएनएस सर्वर है, तो डीएनएस सर्वर यानी कि खुद के रिकॉर्ड को भी स्टोर करेगा, यानी कि सर्वर 200 इज माई डीएनएस सर्वर। हमारे डीएनएस सर्वर कौन है? हमारी जो मशीन है वही तो डीएनएस सर्वर है, तो उसकी एंट्री भी आएगी यहाँ पे, राइट, जी सर, और एसओई की एंट्री आएगी ओनर इन्फॉर्मेशन, ये दो रिकॉर्ड तो मस्ट है, और तीसरा रिकॉर्ड हमें उस रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अब देखो ये बना लिया आपने, इसके बाद आप बना लिया रिवर्स लुकअप, राइट क्लिक करो, न्यू जोन बनाओ, नेक्स्ट करो, वही तीन ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन लेंगे प्राइमरी जोन। सेकंड। अब देखो ये रिवर्स लुकअप में दो तरह के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप IPv4 यूज करोगे या IPv6 यूज करोगे, लेकिन इनमें से एक टाइम में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो ऊपर वाला ऑप्शन यूज नहीं होगा, अगर ये करोगे तो ये यूज नहीं होगा, तो आपको एक टाइम में एक ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। IPv4 रिवर्स लुकअप जोन हम ले रहे हैं, ठीक है। देखो रिवर्स लुकअप जोन, जोन फाइल, अब इसकी जो जोन फाइल बनती है वो स्पेशल जोन फाइल होती है, इसकी जो स्पेशल जोन फाइल होती है वो होती है in-addr.arpa, कौन सी फाइल होती है, इसकी जो फाइल होती है ये होती है in-addr.arp। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी आईपी एड्रेस है
मान के चलते हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। तो अब ये क्या करेगा, इसमें से जो नेटवर्क आईडी वाला पार्ट है उसको उठा लेगा। तो आप बता सकते हो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? 192.168.1. ये होगी इसकी नेटवर्क आईडी, ठीक है ना जी। अब ये जो नेटवर्क आईडी वाला पार्ट है, ये देखो ये होस्ट में चला जाएगा इधर वाला। तो पहले के जो तीन पार्ट है वो एज ए नेटवर्क आईडी यूज करेगा और इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेगा। तो इसको लिख लेते हैं 1.168.192, लिख लिया। डॉट इन हाइफन addr.arp, ये बन गई रिवर्स लुकअप की फाइल। बात समझ आई? अब देखो यहां हम नेटवर्क आईडी डाल देते हैं, डाल दी। तो अब जो रिवर्स लुकअप की फाइल बनेगी कौन सी बनेगी, देखो मिला लो जी, वही बनेगी, ठीक है, समझ आया? डॉट डी एन एस क्या है, डेटाबेस का नाम है, यानी कि डी एन एस इसका एक्सटेंशन ऐड होगा इसके अंदर। ये स्पेशल जोन बन गया रिवर्स लुकअप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे डायनेमिक अपडेट में, वही चूज करेंगे अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट, ठीक है। तो ये देखो स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन बना, रिवर्स बना और जोन फाइल ये बन, फिनिश कर दिया। यहाँ पे भी देखो दो रिकॉर्ड बन गया, समझ आया? यस सर, ये क्लियर हो गया, कैसे हुआ ये? जी जी क्लियर हो गया सर। होस्ट रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा सर? हाँ अभी बता रहे, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आपको ले चलते हैं इसके डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस देख रहे हो आप, पहले और अब में कुछ फर्क है? देखो yes, एक और दो, ये दोनों फाइलें क्रिएट हो चुकी। अभी एम्प्टी डीएनएस था तो उसके अंदर फाइल नहीं थी। ये देखो ये आपका कौन सा हो गया, फॉरवर्ड लुकअप जोन डेटाबेस, और ये हो गया आपका रिवर्स लुकअप जोन डेटाबेस, समझ आए? अब बनाते हैं इसके आगे। देखो अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, होस्ट फाइल ऐड करेंगे, अभी न्यू होस्ट, होस्ट रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो और हमारा जो होस्ट रिकॉर्ड है, सबसे पहला रिकॉर्ड कौन सा होगा, इसी मशीन का होगा। तो इस मशीन का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए F2DN। तो इस मशीन का नाम है सर्वर 200, तो यहाँ हम लिख देंगे सर्वर 200। तो जैसे लिखेंगे नीचे F2DN फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, सर्वर 200.delhi.com। देखो कॉम के बाद भी डॉट नजर आ रहा है आपको जी, रूट डायरेक्ट रूट, ये होता है रूट जी। एक्चुअल में ये इस तरह से होता, ठीक है ना। आईपी एड्रेस हम क्या डालेंगे इसका, हमने क्या लिखा था आईपी एड्रेस, उसका क्या लिया, 192.168.1.100 था ना उसका, 100 था। हम इस मशीन का आईपी एड्रेस जो है पहले चेक कर लेते हैं क्या डाला है हमने, इसमें डाला है नहीं, इसमें डाल लेते हैं पहले। इसका हम चलो 200 ही डाल लेते हैं आईपी, ठीक है। गेटवे डालने की अभी जरूरत नहीं है, और वही वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दूँ, क्योंकि यही सर्वर डीएनएस सर्वर के फॉर्म में काम करेगा। तो डीएनएस कौन होगा, यही वाला होगा। ये देखो यहाँ पे डल गया है, आईपी सेट करेंगे यहाँ पे। अब देखो नीचे टिक कर देंगे क्रिएट एसोसिएटेड पीटीआर। देखो जब भी होस्ट रिकॉर्ड बनता है उसका एसोसिएटेड पीटीआर रिकॉर्ड रिवर्स लुकअप में ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करोगे तो मैन्युअली बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं और ऐड कर देते हैं इसे, ऐड होस्ट। ये देखो होस्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये देखो होस्ट रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे। और रिवर्स लुकअप में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो ये बन गया पीटीआर, ठीक है। पीटीआर जो होता है आईपी टू नेम रिजॉल्व करता है, जबकि होस्ट रिकॉर्ड क्या करता है, नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे डीएनएस सर्वर को टेस्ट करेंगे क्या ये काम करेगा।
तो देखो डीएनएस सर्वर को टेस्ट करने के लिए सीएमडी में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एनएस लुकअप। देखो यहाँ पे लिखा रहा है सर्वर 200.delhi.com, नीचे आईपी लिखा रहा है इसका, यानी कि सर्वर जो है सही से फंक्शन कर रहा है, ठीक है, इतना आपने चेक कर लिया। लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा एडिट करोगे, देखो एसओई में जाओगे, देखो यहाँ लिखा रहा है प्राइमरी सर्वर, अभी ये पूरा नाम नहीं आ रहा है इसका, तो हमें इसे ब्राउज करना होगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन delhi.com, देखो होस्ट रिकॉर्ड जो हमने ऐड किया था उसको यहाँ पे ओके कर दो, कर दिया। देखो यहाँ सीरियल नंबर 1 आ रहा है, यानी कि अभी जो सर्वर है हमारा वो फर्स्ट टाइम ऑन हुआ है। जितनी बार हमारा डीएनएस सर्वर डायनेमिक अपडेट से अपडेट होगा, ये किसी रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा या अपडेट होगा किसी वजह से, तो ये इंक्रीमेंटल अपडेट होता है, तो उससे क्या होता है कि इसका सीरियल नंबर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये सीरियल नंबर क्या होगा, जितना बड़ा होगा उससे ये पहचान में आ जाएगा कि डीएनएस सर्वर कितना पुराना है और कितनी बार ये अपडेट हो चुका है, समझ रहे हो? तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा जैसे जैसे डायनेमिकली अपडेट होगा, नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर अभी 1 से स्टार्ट किया है यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा सर्वर 200.delhi.com, यहाँ डॉट लगा दीजिए और नीचे आ जाइए रेस्पॉन्सिबल पर्सन। देखो एसओ के अंदर हमने कहा था रेस्पॉन्सिबल पर्सन या होस्ट मास्टर की एंट्री होती है, ठीक है, यानी कि हमारे जो ओनर है उसकी एंट्री होगी, ओनर की एंट्री जो होती है वो डोमेन का नाम ही ओनरशिप के लिए होता है, हमारा जो ओनरशिप होगी वो delhi.com के नाम से होगी, तो इतना वाला पार्ट आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इतना पार्ट, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है, डबल डॉट नहीं आना चाहिए ध्यान रखना, ठीक है, ना तो स्पेस आना चाहिए ना डबल डॉट आना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हो गया, अप्लाई कर दो इसको, अप्लाई हो गया, इसके बाद ओके कर दो इसको। एनएस रिकॉर्ड में जाएंगे, देखो यहाँ आईपी एड्रेस अननोन आ रहा है, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस डालेंगे, यहाँ क्लिक कर दो, देखो ओके आ गया, वैलिडेट ओके, ठीक है, अप्लाई करो, ओके करो, रिफ्रेश करो, इसी तरह से रिवर्स लुकअप जोन में करना है। अब देखो एसओ के अंदर हमने जाना है और चेक करना है सीरियल नंबर कितना आ रहा है, 4, यानी कि 4 बार अपडेट हो चुका है, ध्यान रखना, समझ रहे हो कितनी जल्दी अपडेट हो रहा है, देखो, ठीक है, जो जो चेंजेस करते रहेंगे हर बार अपडेट होगा, वो जहां जहां हमने चेंज किया होगा उसी हिसाब से, ठीक है ना। अब रिवर्स में जाना है, एसओए के अंदर जाना है, देखो यहाँ नंबर आ रहा है 2, ये 2 बार अपडेट हो चुका है, ब्राउज करेंगे और उस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे delhi.com लिख देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया। एनएस में जाना है, अननोन लिखा आ रहा है, एडिट करना है, आईपी एड्रेस डालना है 200, वैलिडेट हो गया, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, रिफ्रेश, 4 हो गया, ठीक है, ये देखो अब बंद कर दो। अब हमें डीएनएस सर्वर को चेक करना है, सीएमडी में जाएंगे, एनएस लुकअप कमांड चलाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा रहा है सर्वर 200.delhi.com, नीचे आईपी आ रहा है, अब हम आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे, तो इसका जो नाम है वो आना चाहिए, आ गया, इसका मतलब आईपी से नाम रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डालें सर्वर 200, एंटर करें तो सर्वर 200, देखो सर्वर 200 लिखा, पूरा नाम नहीं लिखा, तो ये क्या है, देखो ये एक्सेप्ट कर रहा है पूरा नाम इसका, सर्वर 200 फाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखें delhi.com, एक्सेप्ट कर लिया ना, एग्जिट करो, ये हमने टेस्ट किया, अब हम दोबारा से टेस्ट करेंगे इसको, पिंग सर्वर 200,
देखो नाम रिजॉल्व हो रहा है लेकिन IPv6 उठा रहा है ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -4 लगा देंगे। अब देखो इसमें इसने सही आईपी रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, पिंग हो रहा है, यानी कि नाम से भी हम पिंग कर सकते हैं, पिंग सर्वर नेम -4, यानी कि IPv4 में करें, ठीक है। अगर आप 6 लगा दोगे इसके आगे तो क्या होगा, V6 में रिजॉल्व सिक्स मिलेगी, V6 रिजॉल्व करें, हमें इसको 4 में ही लेना है तो 4 करेंगे, ठीक है। अब देखो अब दूसरी तरीके से और चेक करेंगे, पिंग -A और आगे आईपी एड्रेस डाल लेंगे, होस्ट नेम रिजॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पिंग करें -A नहीं लगाएं, देखो नाम नहीं आ रहा, यस सर, लेकिन इसलिए हमने क्या लगाया -A लगाया, माइनस ए, समझ आया। यस, अब हम इस सर्वर को किसी और जगह से पिंग करेंगे, तो इसके लिए हम देखो एक और कंप्यूटर ले लेते हैं, कौन सा है ये डोमेन में लग रहा है, मुझे लग रहा है डोमेन में है ये सारे। पिंग 200 है ना, यस 200 सर, सो फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा शायद। हाँ शायद इसका ना पहले वो देख लेते हैं आईपी कितना सेट है इसका, 22 है ना, इसका फायरवॉल ऑफ कर लेते हैं, या DNS पे फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा। पिंग हो रहा है, यस सर। अब हम करेंगे पिंग सर्वर 200, पिंग हो रहा है, यस -4। देखो हमारा यहां से भी नाम के थ्रू पिंग हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो नाम है वो रिजॉल्व हो रहा है, राइट, यस सर, यानी कि नाम से हमारा जो कंप्यूटर है वो पिंग कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो DNS सर्वर है वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर वो नाम से रिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और मे बी सर रिवर्स लुकअप किसी ने क्रिएट नहीं किया तब भी शायद वो रिजॉल्व नहीं करेगा। हाँ वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा ना वो, जी जी ठीक है। अब देखो अब हम इसका ना एक सिस्टम और लेना चाह रहे थे, ये तो डोमेन में ज्वाइन है ना यार, ये फिर इसको डिसज्वाइन करना पड़ेगा, चलो इसको डिसज्वाइन कर देते हैं क्योंकि और कंप्यूटर और कहीं है नहीं यहाँ पे। सर विंडोज 10 मशीन ले सकते कोई? हाँ ले सकते हैं, एक विंडोज 10 मशीन भी है 2016 सर्वर से आगे, इस वाली को, हाँ सर इसको ले लेते हैं। ये भी डोमेन में कनेक्टेड है, बात तो एक ही है, इसे लो या उसे लो।
चलो इसी को चेंज कर देते हैं, वर्क ग्रुप नहीं है। ओके कर दिया, अब यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। तो ये आ गई वर्क ग्रुप में, रिस्टार्ट कर देंगे एक बार। अब इसमें आईपी वगैरह सेट कर देते हैं। इसका चलो 22 है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको अगर डीएनएस का क्लाइंट बनाना है हमें, तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी लिखना होगा, बस। तो अब ये क्या बन गया, डीएनएस का क्लाइंट बन गया, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एंट्री कर लेते हैं होस्ट रिकॉर्ड की, उसका नाम क्या है, इस कंप्यूटर का नाम क्या है, सर्वर। सर्वर 02। तो यहाँ पे इसका लिख देते हैं सर्वर 02, आईपी एड्रेस कितना था, 22। पीटीआर रिकॉर्ड बना दो ऐड, अभी हमने मैन्युअली ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ एनएस लुकअप चलाएंगे तो मालूम है क्या होगा, इस सर्वर को क्या बना देगा ये, ऑथराइज्ड इस मशीन के लिए ये वाला सर्वर डीएनएस सर्वर की फॉर्म में काम करेगा। तो उसका जो डीएनएस है वो उठा लिया ना इसने, ठीक है ना। तो अगर एनएस लुकअप लिखोगे तो ये सर्वर 200 यहाँ आएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ 200, तो 200 का ये देखो दिखा रहा है मशीन नेम। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे कितना 22, तो 22 के हिसाब से देखो कौन सा सर्वर दिखाया है इसने, सर्वर 2। उसका आईपी एड्रेस कितना है 22, तो रिजॉल्व हो रहा है। अगर आप करें पिंग सर्वर 2, सर्वर 2 है ना, सर्वर 2, फायरवॉल इसके अंदर फायरवॉल लगी, ऑफ कर करेगा साथ करने।
सर्वर टू की एंट्री तो यहाँ आ गई है वैसे। सर पिंग करते समय नाम 02 डालना था ना सर, सर्वर 02। सर्वर 02 है वो? हाँ मैं 2 डाल रहा हूँ ना, सर्वर 02 है सर्वर। गड़बड़ हो गई, सर्वर 02 है यार, 2 तो कोई एंट्री नहीं है। जी कर रहा है, कर रहा है। कर रहा है, कर रहा है। क्योंकि सर्वर 2 नाम से अगर हम करें ना तो इसकी कोई एंट्री तो है ही नहीं, तो तब ये मना कर रहा है ना इसको। 02 है वो, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये रिजॉल्व हो रहा है यहाँ से। एनएस लुकअप ये भी काम कर रहा है। ठीक है, 22 सर्वर 02 है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, स्टैंड अलोन डीएनएस सर्वर आपका बन चुका है। ठीक है, और ये प्रॉपरली काम भी कर रहा है। ठीक है ना, ये देखो एसओए के अंदर देखो, आप देख रहे हो सीरियल नंबर 5 आ चुका है, तो ये अपडेट भी हो रहा है। ठीक है, और काम भी कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये बन गया स्टैंड अलोन डीएनएस, बना लोगे इसे सही तरीके से? तो इसको कल मुझे बना के दिखाना। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये टास्क रहेगा कि 2 कंप्यूटर आपको इसमें ऐड कराने हैं। ठीक है जी। तो कोई भी मशीन आप ले लेना, विंडोज 10 की ले लेना या कोई भी ले लेना मशीन, दो मशीन ऐड करानी है स्टैंड अलोन डीएनएस के साथ। ठीक है, सही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर कैसे बनाया जाता है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। अभी आज के लिए इतना ही करो पहले। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, जब ये कर लोगे सही से सभी, तब मैं आगे कर बढ़ा दूंगा। यस सर। ठीक है ना, यस सर। चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।